बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्ज़ का गलबा, दुआ और नक्श। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप पर गुर्बत या तंगदस्ती की वजह से कर्ज़ हो गया है और आप उसकी अदायगी नहीं कर सके, या कर्ज़ लेने वाले कर्ज़ की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं और आप लाख कोशिश के बावजूद कर्ज़ वापस करने के काबिल नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि अल्लाह की ज़ात गैबी ज़राए से आपका रिज़्क़ अदा फरमाएँ ताकि आपकी मुआशरे में इज़्ज़त कायम रहे, तो हम आपको कर्ज़ से निजात के लिए वो दुआ बता रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में मांगा करते थे। वो दुआ हदीस मुबारक में यूँ आई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलिमात के ज़रिए दुआ करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन गलाबातिद दैनी व गलाबातिल अदुवी व शमातातिल अदाई। ए अल्लाह, मैं कर्ज़ के गलबे से, दुश्मन के कहरो गलबे से और मुसीबत में दुश्मनों के खुश होने से तेरी पनाह मांगता हूँ। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर्ज़ से निजात की ये दुआ हमारे बुज़ुर्ग कर्ज़ में मुब्तला बेशुमार साइलीन को तलावत करने की ताकीद कर चुके हैं। उन सब के ऊपर अल्लाह पाक ने इस दुआ की बरकत से ऐसी करम नवाजी फरमाई कि किसी का कर्ज़ सिर्फ 21 दिन में अदा हुआ और किसी का 41 दिन में। नाज़रीन, काबिले गौर बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की मालिक हस्ती हैं, जिनके सदक़े में कुल कायनात को रिस्क मिलता है, तो फिर उन पर कर्ज़ का गलबा कैसे हो सकता है। हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन दुआओं के ज़रिए सिखाया है कि जिस पर कर्ज़ हो वो अल्लाह से कर्ज़ की अदायगी की दुआ कैसे मांगे। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दुआया कलिमात के ज़रिए एक नहीं तीन दुआएं मांगी हैं। पहली कर्ज़ के गलबे से निजात की, दूसरी दुश्मन के कहरो गलबे से निजात की और तीसरी मुसीबत में दुश्मनों के खुश होने से निजात की। नाज़रीन, अगर आप ख़ुद गौर करें तो जिस इंसान पर कर्ज़ होता है दुश्मन उस पर गालिब आने लगते हैं, और बाज़ हालात में तो कर्ज़ का मुतालबा करने वाले ही दुश्मनी पर उतर आते हैं। इस लिहाज से जिस इंसान पर कर्ज़ हो और उसे दुश्मनों के गालिब आने का भी खौफ हो, तो उसे चाहिए कि रोज़ाना हर नमाज के बाद पाबंदी से 41 मरतबा इस दुआ की तलावत करे। इंशाल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ अपने रूहानी असरात फौरी जाहिर करेगी और आपका कर्ज़ अदा होने के असबाब खुद ब खुद बनेंगे। नाज़रीन, अगर आप पर कर्ज़ होने की वजह रूहानी है, यानी नज़र बद या बंदिश वगैरह, तो हमारे रूहानी सेंटर में कर्ज़ से निजात के नक्श भी तहरीर किए जाते हैं, जिन पर अरबों खरबों की तादाद में इस्मे आज़म का विर्द करके दम किया जाता है, जिससे इन नकूश का इंतहाई रूहानी फैज़ जारी होता है। जिस साइल के पास कर्ज से निजात का ये नक्श होता है, उसके रिस्क में हायल नजर बद या बंदिश के असरात 11 दिन के अंदर अंदर ख़त्म होने लगते हैं। उसे ऐसे गैबी ज़राए से रिस्क मिलना शुरू हो जाता है जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। जब तक अल्लाह के पाक नामों का ये नक्श उसके पास मौजूद होगा, वो कर्ज़ की दलदल में नहीं फंसेगा, और दुनिया का कोई भी हासिद या दुश्मन चाह कर भी उस इंसान के रिस्क में बंदिश नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये नक्श आप हमसे बतौर 1400 रुपये हदिया अदा करके भी हासिल कर सकते हैं, और अहद के ज़रिए फ़ी सबीलिल्लाह भी, इंशाल्लाह फैज़ यकीनी होगा। नक्श मंगवाने के लिए मर्द हजरात हसनैन साहब से 03065111214 पर, और ख़वातीन 03217970893 पर राब्ता कायम करें। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए हमारी वेबसाइट www.pray.net.pk पर विज़िट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।